हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है श्रीकांत तो श्रीकांत फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले वहीं पर इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं श्रीकांत जो 2024 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म है जहां पे श्रीकांत बोल्ला करके एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड बनाई गई है श्रीकांत बोल्ला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो वो एक विजुअली इंपेयर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहां पर वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विज़ुअल इम्पेय स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीब तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है चढ़ा उतार था जहाँ पे उन्होंने अप्रैल दो में फोर्स मेगिसन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज दा किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेती इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर नंदानी तुषार हिर इन्होंने इससे पहले की आग फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज एज अ राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 तो में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पर जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार नीति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को पैंतीस करोड़ के बजट के अंडर चौक एंड चीज फिल्म और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटर की रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म की कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देबासित मित्र और संजय डिपार्टमेंट में आनंद मिलिंद ने गानों को कंपोज कियाम्परा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कंपोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशांत छाबरा ने कंपोज किया था टी सीरीज वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोल्ला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहाँ पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनव एबडगीर का जो रोल था वो यंग श्रीकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पे ज्योति का ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री की टीचर और मेटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया है श्रीनिवास बी सेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल प्ले किया है जो श्री के फादर थे श्री की माँ वेकटम्मा बोल्ला उसका रोल अनुषा नुतुला ने प्ले किया हुआ है भरत जाधव ने इसमें मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है श्रीदेव मूर्ति ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कनोजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरी सा साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर सिबोनिसा टे, टेडियोस मेडबत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पे अर्ण बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरव जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किए स्पेशल अपीरियंस देते हुए नज़र आएंगे सनत देश बारह uh, साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का कामकाज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन आ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीज़ें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफी लंबे समय के बाद बॉलीवुड में कम बैक करती हुई नज़र आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हस्बैंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेस पेते हुए नज़र आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल एम्पेयड इंडिविजुअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरह से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीबन सेवेंटी ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद आ, करीबन बारह पंद्रह विजुअल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रीनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिटेट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेजेज में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें म्यूजिक के राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जो भी नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानीपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें ही अपना माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसमें बीस मिनट बाईस सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली तेरह मई दो को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम डी पी इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था नहीं जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे चार करोड़ छब्बीस लाख इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीब चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनेडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो, दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने वीक डेज में सेकंड मंडे के ऊपर एक करोड़ बावन लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ छब्बीस लाख का सेकंड संडे के वेनजे के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का सेकंड थर्सडे के ऊपर एक करोड़ सैतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए दो वीक में इस फिल्म ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया है जिसके चलते टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे इसका तीसरा पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छ करोड़ दो लाख का रहा था और पाँचवें वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उन लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच मार्क हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहां पे इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख निकल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का क्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने बासठ से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेसफुल फिल्म मॉडे कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइट करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको पाँच जुलाई दो हज़ार चौबीस को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पर फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ

बनाई गई है श्रीकांत बोला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो वो एक विजुअली इंपेर्डर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहां पे वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजल इम्पेक्ट स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीब तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई चढ़ा हुआ था वहाँ जहाँ पे उन्होंने अप्रैल 2017 में फोस मेगिसन में दा, तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज दा, किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेते इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर नंदानी तुषार हिर इन्होंने इससे पहले साण की फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज एज ए राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पे जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार नीति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को पैंतीस करोड़ के बजट के अंडर चौक चीज फिल्म और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पे ए फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटर की रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देवाशीत मित्रा और संजय संकला ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे चौदह मिनट लंबी देखने को मिलेगी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में आनंद मिलिंद ने गानों को कंपोज किया हुआ है तनिस बागची सचिन परम्परा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कंपोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशां छाबरा ने कंपोज किया था टी सीरीज वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोल्ला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहां पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनव no, एबडगीर का जो रोल था वो सी यंग सिकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पे ज्योति का ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री की टीचर और मैंटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने ए अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बिसेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल किया वेटम्मा ने प्ले किया ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कनौजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरीसा साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर शिबो निशा टे ते, टेड्यूसा ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पे अर्ण बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरव जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किए स्पेशल अपीरियंस देते हुए नजर आएंगे सनत देश बारह uh, साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं लेकिन आ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीज़ें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफ़ी लंबे समय के बाद बॉलीवुड में कमबैक करती हुई नज़र आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके हस्बैंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेस पेते हुए नजर आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विज एम्पेयर इंडिविजुअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरीके से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीबन सेवेंटी ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो, दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद करीबन बारह पंद्रह विजुअल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्टरप्रीनियर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें म्यूज़िक के राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जो भी ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें ही अपना मा माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूज़िक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक हुए थे जिसमें 20 मिनट 22 सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली 13 मई 2024 को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहां पे ये फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम डी पी इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था नहीं जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे चार करोड़ छब्बीस लाख का इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पर सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने वीक डेज में सेकंड मंडे के ऊपर एक करोड़ बावन लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ छब्बीस लाख का सेकंड संडे के वेनजे के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का सेकंड थर्सडे के ऊपर एक करोड़ सैतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए दो वीक में इस फिल्म ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया है जिसके चलते टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे इसका तीसरा तो पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छह करोड़ दो लाख का रहा था और पाँचवें वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उन लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच मार्क हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहां पे इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख कल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का क्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने बासठ से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेसफुल फिल्म मॉडे सक, कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी करीबन 20 करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफ़ी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेटवर्क नेट्वर, नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको पाँच जुलाई दो को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि श्रीकांत बोल्ला के ऊपर बनी हुई फिल्म श्रीकांत फिलहाल में आपको ने टफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मेक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से श्रीकांत फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे श्रीकांत जो दो हजार चौबीस की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म है जहाँ पे श्रीकांत बोला करके एक विजुअली इंपेयर पर्सन है उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड बनाई गई है श्रीकांत बोला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो एक विजुअली इम्पेय इंडर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पे वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजुअल इम्पेय स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मानचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीब तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है चढ़ा उतार था जहाँ पे उन्होंने अप्रैल 2017 में फोस uh, मेगिसन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेते इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर नंदानी तुषार हिर इन्होंने इससे पहले साण की फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज ए राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पे जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहां पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार नीति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को पैंतीस करोड़ के बजट के अंडर चौक चीज़ फिल्म और टी सीरीज़ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पे ए फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटर रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद किलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देवासित मित्रा और संजय संकला ने की हुई है जिन्होंने एक तो मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे चौदह मिनट लंबी देखने को मिलेगी वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आनंद मिलिंद ने गानों को कंपोज किया हुआ है तनिस बागची सचिन परंपरा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कंपोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशांत छाबरा ने कंपोज किया था टी सीरीज़ वालों ने ही म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज़ में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोल्ला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहाँ पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनो एबडगीर का जो रोल था वो यंग श्रीकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पर ज्योतिका ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल माल प्ले किया हुआ जो श्री की टीचर और मैंटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बी सिट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के फादर थे श्री की माँ वैकटम्मा बोल्ला उसका रोल अनुषा नुतूला ने प्ले किया हुआ है भरत जाधव ने इसमें मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है मूर्ति ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कन्ोजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरिका सा, साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर सिबो टे टेडियस मदबत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पे अर्ण बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरभ जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किया स्पेशल अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे सनत देश बारह साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन आ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोल्ला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के के बाद चीजें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफी लंबे समय के बाद बॉलीवुड में कमबैक करती हुई नजर आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके हस्बैंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेज पेते हुए नज़र आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल इंपेड इंडिविजुअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरीके से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीबन सेवेंटीज ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो हज़ार को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद आ, करीबन 12-15 विजुअल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रिनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेज में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें म्यूज़िक के राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जो भी नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानीपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें ही अपना मा, माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसमें 20 मिनट बाईस सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली 13 मई 2024 को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम डी पी इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था नहीं जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे चार करोड़ छब्बीस लाख का इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां ऊपर एक करोड़ बावन लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर करोड़ छब्बीस लाख का सेकंड संडे के 1, 26, 1, के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का सेकंड थर्सडे के ऊपर थर्स करोड़ सैतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए दो वीक में इस फिल्म ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा विकास पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीक वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का, का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छः करोड़ दो लाख का रहा था और पांचवे वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उनपचास लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहाँ पर इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख निकल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने बासठ से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेसफुल फिल्म मॉडरेट कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफ़ी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेटवर्क नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको 5 जुलाई 2024 को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पर फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि श्रीकांत बोल्ला के ऊपर बनी हुई फिल्म श्रीकांत फिलहाल में आपको टफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से श्रीकांत फिल्म सेली टी टी सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे श्रीकांत जो दो की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म है जहाँ पे श्रीकांत बोला करके एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड बनाई गई है श्रीकांत बोल्ला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो एक जली इम्पेड इंडर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पे वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजल इम्पेय स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीबन तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है चढ़ा उतार था वहाँ जहाँ पर उन्होंने अप्रैल 2017 में फोर्स uh, मैगजीन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम uh, दर्ज दा, किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेते इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर नंदानी तुषार हिर इन्होंने इससे पहले uh, सानकी आग फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज एज ए राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था दो में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पे जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार निति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को पैंतीस करोड़ के बजट के अंडर चौक एंड चीज फिल्म और टी सीरीज़ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटरिकल रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देवाशीत मित्रा और संजय संकला ने कि हुए जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे चौदह मिनट लंबी देखने को मिलेगी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में आनंद मिलिन ने गानों को कंपोज किया हुआ है तनिस बागची सचिन परम्परा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कंपोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशांत छाबरा ने कंपोज किया था टी सीरीज वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज में इसके अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोल्ला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहां पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनो एपडगीर का जो रोल था वो यंग सीकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पे ज्योति का ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है जो श्री की टीचर और मैंटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने ए अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बिसेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल किया हुआ जो श्री के फादर थे श्री की माँ वैकटम्मा ने प्ले किया हुआ है भरत जाधव ने इसमें मेजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है मूर्ति ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कनोजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरिका सा, साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर सिबोनिसा टे टेड्यूसा मदबत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पे अर्णव बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरव जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किया स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नज़र आएंगे सनत देश बारह साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पर बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर है पहली एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीज़ें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफ़ी लंबे समय के बाद बॉलीवुड वो, में कम बैक करती हुई नज़र आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हसबेंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेस आते हुए नज़र आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल एम्पेयड इंडिविजुअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरीके से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीबन सेवेंटीज ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो, दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पर इसके ट्रेलर के बाद करीबन 12-15 विजुअल इम्पैक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रीनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिटेट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेजेज़ में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें म्यूजिक के राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और इस फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जुबिन नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानीपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें ही अपना माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूजिक दिया था ऋजिज सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जिसमें 20 मिनट 22 सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली 13 मई 2024 को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया था, तब क्रीटिक्स क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम डी पी इस फिल्म ने अभी तक करी करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था नहीं जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे चार करोड़ छब्बीस लाख का इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनसडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने वीक डेज में सेकंड मंडे के ऊपर एक करोड़ बावन लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ छब्बीस लाख का सेकंड संडे के वेनजे के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का सेकंड थर्सडे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए दो वीक में इस फिल्म ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया है जिसके चलते टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीके तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा वीके पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा विक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छह करोड़ दो लाख का रहा था और पांचवे वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उन लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहां पर इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख निकल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का क्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने 62 से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेसफुल फिल्म मॉडेश कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइट करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको 5 जुलाई 2024 को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पर फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ

बनाई गई है श्रीकांत बोला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो वो एक विजुअली इंडर, है जहाँ पे वोट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजुअल इम्पेय स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मानचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीब तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है चढ़ा उतार वहाँ जहाँ पे उन्होंने अप्रैल 2017 में फोस मैगिसन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेती इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर तुषार हिर इन्होंने इससे पहले की आग फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज अ राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था दो में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पे जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार नीति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को पैंतीस करोड़ के बजट के अंडर चौक एंड चीज फिल्म और टी सीरीज़ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नज़र आएंगे वहीं पर ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटर की रिलीज़ उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देवाशीत मित्रा और संजय संकला ने की हुई हैं जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे चौदह मिनट लंबी देखने को मिलेगी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में आनंद मिलिंद ने गानों को कम्पोज किया हुआ है तनिस बागची जी सचिन परम्परा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कम्पोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशांत छाबरा ने कम्पोज किया था टी सीरीज वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोल्ला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहां पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनव एबडगीर का जो रोल था वो यंग सिकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पे ज्योति का ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री की टीचर और मैंटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने ए अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बिसेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल किया वेटम्मा ने प्ले किया ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कनौजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरीसा साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर शिबोनिसा टेड्यूसा ते, मदबत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पे अर्ण बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरभ जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किए स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नज़र आएंगे सनत देश बारह uh, साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोला कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोल्ला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीज़ें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफ़ी लंबे समय के बाद बोलीव बॉलीवुड में कमबैक करती हुई नजर आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हस्बैंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेज पहते हुए नजर आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल इम्पेयड इंडिविजअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरीके से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीब सेवनटीज ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद आ, करीबन बारह पंद्रह विजुअल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रीनियर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जो भी नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें ही अपना मा माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूज़िक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक हुए थे जिसमें 20 मिनट 22 सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली 13 मई 2024 को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे यह फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था है जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहां पर चार करोड़ छब्बीस लाख इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पांच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनेसडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन तो आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां का, 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 का कलेक्शन करते हुए दो वीक ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छः करोड़ दो लाख का रहा था और पाँचवें वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उन लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे, पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच मार्क हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहां पे इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख ल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेस फुल मॉडे कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहां पे इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइट करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेट नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको 5 जुलाई 2024 को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पर फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि श्रीकांत बोल्ला के ऊपर बनी हुई फिल्म श्रीकांत फिलहाल में आपको नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मेक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से श्रीकांत फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे श्रीकांत जो दो हजार चौबीस की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म है जहाँ पे श्रीकांत बोल्ला करके एक विजुअली इंपेयर पर्सन है उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड बनाई गई है श्रीकांत बोल्ला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो एक विजुअली इम्पेय इंडर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पे वो बोलान्ट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजुअल इम्पेय स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मानचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीब तैंतीस साल है जहाँ पर उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है चढ़ा उतार था वहाँ जहाँ पे उन्होंने अप्रैल 2017 में फोर्स मैगिसन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेते इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर तुषार हिर इन्होंने इससे पहले साण की फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज अ राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पर जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार निति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को 35 करोड़ के बजट के अंडर चौकेन चीज फिल्म और टी सीरीज़ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नज़र आएंगे वहीं पर ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटरिकल रिलीज़ उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देवासित मित्रा और संजय संकला ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे चौदह मिनट लंबी देखने को मिलेगी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में आनंद मिलिंद ने गानों को कंपोज किया हुआ है तनिस बागची सचित सचिन परम्परा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कंपोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशांत छाबरा ने कंपोज किया था टी सीरीज वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोल्ला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहां पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनोबिर का जो रोल था वो यंग सीकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ जो श्री का लव इंटरेस्ट का रूरी का का थी वहीं पर ज्योतिका ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ जो श्री की टीचर और मेटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने ए अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बिसेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल प्ले किया कह जो सीरी के फादर थे सीरी की माँ वेकटम्मा बोलला उसका रोल अनुसार नतुला ने प्ले किया हुआ है भरत जाधव ने इसमें मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है श्रीदेव मूर्ति ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कनोजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरिका साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एमआईटी में श्री का फ्रेंड है वहीं पे सिबोनिसा टे टेड्यूसा मदबत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पे अर्णव बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरव जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किए स्पेशल अपीरियंस देते हुए नजर आएंगे सनत देश बारह साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते नज़र आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन वो टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोल्ला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीजें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नवंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफी लंबे समय के बाद बोलीव बॉलीवुड में कम बैक करती हुई नज़र आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हस्बैंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेज पेते हुए नज़र आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल एम्पेयर इंडिविजुअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरीके से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीबन सेवेंटीज ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद आ, करीबन 12-15 विजुअल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रीनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेज में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें म्यूज़िक के राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जो भी नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानीपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें अपना माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने, 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 ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसमें 20 मिनट बाईस सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली 13 मई 2024 को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम डी पी इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था नहीं जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे चार करोड़ छब्बीस लाख का इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तैंतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां में, में सेकंड मंडे के ऊपर तो एक करोड़ बावन लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर तो करोड़ छब्बीस लाख का सेकंड संडे के के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का सेकंड थर्सडे के ऊपर तो तो एक करोड़ सैतालीस लाख का कलेक्शन तो करते हुए दो वीक में इस फिल्म ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन तो किया है जिसके चलते टोटल तो दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा वीक पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छः करोड़ दो लाख का रहा था और पाँचवें वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उनपचास लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहाँ पर इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का क्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेसफुल फिल्म मॉडरेट कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइट करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी इंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेट नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको 5 जुलाई 2024 को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पर फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि श्रीकांत बोल्ला के ऊपर बनी हुई फिल्म श्रीकांत फिलहाल में आपको नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मेक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से श्रीकांत फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे श्रीकांत जो दो हजार चौबीस के एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म है जहाँ पर श्रीकांत बोला करके एक विजुअली इंपेयर पर्सन है उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड बनाई गई है श्रीकांत बोला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो एक विज़ुअली इंडर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पे वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीबन तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है चढ़ा उतार था जहाँ पे उन्होंने अप्रैल दो में फोस मैगजीन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेती इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर नंदानी तुषार हिर इन्होंने इससे पहले की आग फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज एज ए राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पर जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार नीति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को पैंतीस करोड़ के बजट के अंडर चौक एन चीज फिल्म और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटरकल रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म की कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देवासित मित्र और संजय संजयला ने एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में आनंद मिली ने गानों को कंपोज किया हुआ है बागची सचिन परंपरा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कंपोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशान छाबरा ने कंपोज किया था टी सीरीज वालों ने ही म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइस में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोल्ला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहां पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनोबिर का जो रोल था वो यंग सीकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पर ज्योतिका ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का, का मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री की टीचर और मैंटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने ए अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बिसेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल प्ले किया हुआ जो श्री के फादर थे वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कनोजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरिका सा। साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर शिबोनिसा टे टेड्यूसा मदबत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पे अर्ण बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरव जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किया स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नज़र आएंगे सनत देश बारह साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल की ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डरेक्टर ने बाद में रिविल किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीज़ें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नवंबर दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफ़ी लंबे समय के बाद बॉलीवुक वो, बॉलीवुड में कम करती हुई नजर आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हस्बैंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेज पहते हुए नज़र आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल एम्पेयर इंडिविजुअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरह से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीब सेवेंटी ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो को रिलीज किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद करीबन बारह पंद्रह विजल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रिनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेजेज में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें म्यूज़िक के राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जो भी नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें ही अपना मा, माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचिन टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसमें 20 मिनट बाईस सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली 13 मई 2024 को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया था, तब क्रीटिक्स क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम डी पी इस फिल्म ने अभी तक करी करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था नहीं जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे चार करोड़ छब्बीस लाख इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने वीक डेज में सेकंड मंडे के ऊपर एक करोड़ बावन लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ छब्बीस लाख का सेकंड संडे के वेनजे के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का सेकंड थर्सडे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए दो वीक में इस फिल्म ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया है जिसके चलते टोटल दो तो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीके तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा वीके पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छह करोड़ दो लाख का रहा था और पांचवे वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उन लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच मार्क हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहां पे इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख निकल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का क्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने 62 से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेसफुल फिल्म मॉडेश कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइट करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको पाँच जुलाई दो को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि श्रीकांत बोल्ला के ऊपर बनी हुई फिल्म श्रीकांत फिलहाल में आपको नेटफ्लिक्स ओटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको और एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से श्रीकांत फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे श्रीकांत जो दो की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म है जहाँ पे श्रीकांत बोल्ला करके एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड बनाई गई है श्रीकांत बोल्ला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो एक विजुअली इंडर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पे वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजल इम्पेड स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीबन तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है चढ़ा उतार था वहाँ जहाँ पर उन्होंने अप्रैल 2017 में फॉर्स uh, मेगिसन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज दा किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेते इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर नंदानी तुषार हिर इन्होंने इससे पहले सान की आग फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज अ राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पे जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार नीति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को 35 करोड़ के बजट के अंडर चौक एन चीज फिल्म और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटर की रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म की कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका अलाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देबासित मित्र और संजय जिन्होंने मिनट मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म घंटे लंबी देखने को मिलेगी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में आनंद मिलिंद ने गानों को कंपोज किया हुआ है बाग बागची सचिन परम्परा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कम्पोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशांत छाबरा ने कंपोज किया था टी सीरीज वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज़ में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे राजकुमार राव जहाँ पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अन्नाओ एबडगीर का जो रोल था वो यंग श्रीकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पर ज्योतिका ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री की टीचर और मेन्टो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने ए अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बिसेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल प्ले किया हुआ जो श्री के फादर थे श्री की माँ वैक्टम्मा बोल्ला उसका रोल अनुषा नुतूला ने प्ले किया हुआ है भरत जादव ने इसमें मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है मूर्ति ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कनोजिया महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरिसा साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर शिवोनिसा टे टेड्यूस मदबत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एम आई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पर अर्णा बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरव जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किए स्पेशल अपीरियंस देते हुए नज़र आएंगे सनत देश बारह साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन आ... वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीजें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफ़ी लंबे समय के बाद बोलीव बॉलीवुड में कमबैक करती हुई नज़र आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हसबेंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेज पेते हुए नजर आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल इम्पेयड इंडिविजल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरीके से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीब सेवनटीज ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद आ, करीबन बारह पंद्रह विजुअल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रीनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेजेज में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जो भी नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानीपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें ही अपना मा माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूज़िक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक हुए थे जिसमें 20 मिनट 22 सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली 13 मई 2024 को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पर यह फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था है जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहां पर चार करोड़ छब्बीस लाख इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पांच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनेसडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन तो आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां पे इस वीक में के एक करोड़ बावन का, 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 का कलेक्शन करते हुए अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छः करोड़ दो लाख का रहा था और पाँचवें वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उन लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच मार्क हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहां पे इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख ल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेस फुल मॉडे कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइट करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेटेट नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको पाँच जुलाई दो को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि श्रीकांत बोल्ला के ऊपर बनी हुई फिल्म श्रीकांत फिलहाल में आपको ने नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मेक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से श्रीकांत फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे श्रीकांत जो दो हजार चौबीस की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म है जहाँ पर श्रीकांत बोल्ला करके एक विजुअली इंपेयर पर्सन है उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड बनाई गई है श्रीकांत बोल्ला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पे वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजुअल इम्पेय स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मानचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीबन तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है चढ़ा उतार था वहाँ जहाँ पर उन्होंने अप्रैल दो में फोर्स मेगिसन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेती इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर नंदानी तुषार हिर इन्होंने इससे पहले सान की आग फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज एज ए राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पर जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार नीति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को 35 करोड़ के बजट के अंडर चौक एंड चीज फिल्म और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पर ए फिल्म के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटर की रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म की कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देवाशित मित्रा और संजय डिपार्टमेंट में आनंद मिलिंद ने गानों को कंपोज कियाम्परा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कंपोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था और छाबरा ने कंपोज किया था टी सीरीज वालों ने ही म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइस में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोल्ला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहाँ पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनव एबडगीर का जो रोल था वो यंग श्रीकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पे ज्योति का ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री की टीचर और मैंटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बी सेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के फादर थे श्री की माँ वैकटम्मा बोल्ला उसका रोल अनुषा नुतूला ने प्ले किया हुआ है भरत जाधव ने इसमें तो मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है मूर्ति ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कनोजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरी सा आ, साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर शिबोनिशा टेडियोसा मत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहां पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पर अर्ण बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरभ जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किया स्पेशल अपीरियंस देते हुए नजर आएंगे सनत देश बारह साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पर बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन व टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन आ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोल्ला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीजें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नवंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफी लंबे समय के बाद बोलीव बॉलीवुड में कम बैक करती हुई नज़र आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हस्बेंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेज पेते हुए नज़र आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल एम्पेयर इंडिविजल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरह से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीबन सेवनटी ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद करीबन बारह पंद्रह विजल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रिनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेजेज में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें म्यूज़िक के राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोज़र के द्वारा कंपोज़ किया गया था और Um इस फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जुबिन नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें अपना माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूजिक दिया था ऋजिशिंग ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जिसमें 20 मिनट 22 सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली 13 मई 2024 को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम डी पी इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था नहीं जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे चार करोड़ छब्बीस लाख का इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां में सेकंड मंडे के ऊपर एक करोड़ बावन लाख का सेकंड ट्यूसडे के ऊपर एक करोड़ छब्बीस लाख का सेकंड संडे के के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का सेकंड थर्सडे के ऊपर एक करोड़ सैतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए दो वीक में इस फिल्म ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा वीक पाँच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छः करोड़ दो लाख का रहा था और पांचवे वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उनपचास लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच मार्क हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस ग्रीद दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहाँ पर इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख निकल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने बासठ से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेस फुल फिल्म मॉडेश सक, कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफ़ी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी इंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेट नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको पाँच जुलाई दो हज़ार चौबीस को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पर फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ

बनाई गई है श्रीकांत बोला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो एक विजुअली इंपेयर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहां पे वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजल इम्पेक्ट स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मानचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीबन तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है पे उन्होंने अप्रैल 2017 में हज़ार मैगिसन में दा, दा में से एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेते फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर तुषार इन्होंने इससे पहले साण किया फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज ए राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पर जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार नीति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को पैंतीस करोड़ के बजट के अंडर चौक चीज फिल्म और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पे ए फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटरकल रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देवाशीत मित्रा और संजय संकला ने की हुए जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे चौदह मिनट लंबी देखने को मिलेगी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में आनंद मिलिन ने गानों को कंपोज किया हुआ है तनिष बागची सचिन परम्परा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कंपोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशान छाबरा ने कंपोज किया था टी सीरीज़ वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बल्ला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहाँ पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अर्नव एबडगीर का जो रोल था वो यंग श्रीकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग, अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पर ज्योतिका ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री की टीचर और मैंटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने ए पी जे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बिसेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के फादर थे श्री की माँ वैक्टम्मा बोल्ला उसका रोल अनुषा नुतूला ने प्ले किया हुआ है भरत जाधव ने इसमें मजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है श्रीदे मूर्ति ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है था, था? आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरिका साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर शिवो निशा टे टेड्यूस मदबत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पर अर्णा बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरव जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किए स्पेशल अपीरियंस देते हुए नजर आएंगे सनत देश बारह साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन आ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीज़ें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नवंबर दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफ़ी लंबे समय के बाद बॉलीवुक वो, बॉलीवुड में कम बैक करती हुई नज़र आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हस्बैंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेज पहते हुए नज़र आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल एम्पेयर इंडिविजुअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरह से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीब सेवेंटी ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद आ, करीबन बारह पंद्रह विजल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रीनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेज में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें म्यूज़िक के राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जोबी नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानीपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें ही अपना माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसमें बीस मिनट बाईस सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली तेरह मई दो को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम डी पी इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था नहीं जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहां पर चार करोड़ छब्बीस लाख इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पांच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीब चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने वीक डेज में सेकंड मंडे के ऊपर एक करोड़ बावन लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ छब्बीस लाख का सेकंड संडे के वेनजे के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का सेकंड थर्सडे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए दो वीक में इस फिल्म ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया है जिसके चलते टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीके एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा वीके पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छह करोड़ दो लाख का रहा था और पांचवे वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उन लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच मार्क हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहां पे इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख निकल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का क्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने बासठ से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेसफुल फिल्म मॉडेश कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइट करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको 5 जुलाई 2024 को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पर फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ

बनाई गई है श्रीकांत बोल्ला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो एक विजुअली इंपेड इंडस्ट्रियलिस्ट है जहां पे वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजल इम्पेक्ट स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मानचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीबन तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई है चढ़ा हुआ था वहाँ जहाँ पे उन्होंने अप्रैल 2017 में फोर्स मैगिसन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेते इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिर तुषार इन्होंने इससे पहले साण की फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज ए राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पे जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहां पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार निति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को पैंतीस करोड़ के बजट के अंडर चौक एन चीज फिल्म और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे वहीं पे ए फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था थिएटरकल रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव ज्योतिका लाया फर्नीचर वाला और शरद केलकर देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी प्रथम मेहता ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग देवाशीत मित्रा और संजय संकला ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे चौदह मिनट लंबी देखने को मिलेगी वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में आनंद मिलिंद ने गानों को कम्पोज किया हुआ है तनिस बागची की सचिन परम्परा वेद शर्मा और आदित्य देव ने कम्पोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था विशान छाबरा ने कम्पोज किया था टी सीरीज वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहां पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनव एबडगीर का जो रोल था वो यंग सिकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले, प्ले, प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पे ज्योति का ने इस फिल्म में देवी का मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री की टीचर और मैंटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बी सेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के फादर थे श्री की माँ वैक्टम्मा बोल्ला उसका रोल अनुषा नुतूला ने प्ले किया हुआ, हुआ है भरत जाधव ने इसमें मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है श्रीधवी मूर्ति ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कन्ोजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरी सा, आ, साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर सिबोनिसा टे ते, टेड्यूसा ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पे अर्ण बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरव जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किया, स्पेशल अपीरियंस देते हुए नज़र आएंगे सनत देश बारह uh, साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोल्ला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीजें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफ़ी लंबे समय के बाद बोलीव वो, बॉलीवुड में कमबैक करती हुई नज़र आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हसबेंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेज आते हुए नज़र आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल इम्पेयर्ड इंडिविजुअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरीके से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीबन सेवेंटी ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद करीबन बारह पंद्रह विजल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करे के सीरीज के पास थे, इस टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जहाँ पे सभी गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा कंपोज किया गया था और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जो भी ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें ही अपना मा माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचिन टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक े हुए थे जिसमें 20 मिनट 22 सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली 13 मई 2024 को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पर यह फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था है जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहां पर चार करोड़ छब्बीस लाख का इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पांच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उन लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनेसडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन तो आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां के के का कलेक्शन करते हुए दो वीक में सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते टोटल दो तो वीक का कलेक्शन था वो तो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला तो हुआ था तीसरे तो वीक के एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा तो पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छः करोड़ दो लाख का रहा था और पाँचवें वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उन लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच मार्क हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहां पे इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख ल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेसफुल फुल फिल्म मॉडर्स सक, कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स टी, -टी राइट करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेट नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको पाँच जुलाई दो हज़ार चौबीस को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पर फिल्म का सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि श्रीकांत बोल्ला के ऊपर बनी हुई फिल्म श्रीकांत फिलहाल में आपको Netflix OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको Sony Max और Sony Max HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से श्रीकांत फिल्म आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट दोनों प्लेटफार्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे श्रीकांत जो 2024 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फिल्म है जहाँ पे श्रीकांत बोल्ला करके एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड बनाई गई है श्रीकांत बोल्ला के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडर इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पे वो बोलांट इंडस्ट्री है उसके फाउंडर है चेयरमैन है जहाँ पे ये पहले इंटरनेशनल विजल इम्पेयर स्टूडेंट है जिसने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मानचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई की हुई थी अभी उनकी ये उम्र करीब तैंतीस साल है जहाँ पे उन्होंने इस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हुई है तो उसी अचीवमेंट के साथ उनको इस फिल्म में पूरी तरह से हमारे सामने डिस्क्राइब किया हुआ है श्रीकांत बोल्ला ने अपने करियर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई चढ़ा हुआ था वहाँ जहाँ पे उन्होंने अप्रैल 2017 में फोस मेगिसन में तीसरे में से तीसरा थर्टीज अक्रॉस एशियन में से उन्होंने अपने लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया हुआ था और उस समय तीसरे ही इंडियन थे जो उस लिस्ट में शामिल थे अब बात कर लेते इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे तुषार हिरनंदानी तुषार हिरनंदानी इन्होंने इससे पहले साण किया फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये दूसरी फिल्म थी वैसे एज अ राइटर के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा हुआ है इससे पहले स्केम 2003 सीरीज को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था 2023 में इस फिल्म के ऊपर बातचीत करें तो इसका डायरेक्शन उन्होंने किया हुआ है वहीं पे जो राइटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित देखने को मिलेंगे भूषण कुमार कृष्ण कुमार नीति परमान हिरनंदानी इस फिल्म को पैंतीस करोड़ के बजट के अंडर चौक एंड चीज़ फिल्म और टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी

वेद शर्मा और आदित्य देव ने कंपोज किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर था और विशांत छाबरा ने कंपोज़ किया था टी सीरीज वालों ने ही म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने एक अच्छी प्राइज़ में इसके राइट्स अपने पास रखे हुए थे अब बात करें कास्टिंग के ऊपर इस फिल्म में आपको फिल्म का टाइटल कैरेक्टर श्रीकांत बोला का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव जहाँ पे उनका जो यंगर वर्जन है वो श्रीकांत मन्नान जो अनोबिर तो गी का जो रोल था वो यंग श्रीकांत बल्ला का दोनों ने रोल प्ले किया हुआ इन दोनों ने अलग अलग एज के रोल प्ले किए हुए थे अलाया फर्नीचर वाला ने वीरा स्वाति का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री का लव इंटरेस्ट थी वहीं पे ज्योति का ने, ने इस फिल्म में देविका मालवाड़े का रोल प्ले किया हुआ जो श्री की टीचर और मैंटो थी शरद केलकर ने इसमें रवि मंथा का रोल प्ले किया हुआ जो श्री के इन्वेस्टर और फ्रेंड थे जामिल खान ने एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास बी सेट्टी ने इसमें दामोदर बोल्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो श्री के फादर थे श्री की माँ वैकटम्मा बोल्ला उसका रोल अनुषा नुतूला ने प्ले किया हुआ है भरत जाधव ने इसमें मैजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया हुआ है मूर्ति ने इसमें वेणुगोपाल राव का रोल प्ले किया हुआ है सुखिता अय्यर ने इसमें विद्या रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है विनीता वेणुगोपालन ने इस फिल्म में कविता मंथा यानी कि रवि की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है ओम कन्ोजिया ने इसमें महेश का रोल प्ले किया हुआ था आरव खोट इस फिल्म में नरेंद्र बोल्ला का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री के यंगर ब्रदर है जहाँ पे यंग नरेंद्र बोल्ला का रोल अक्षय चौधरी ने प्ले किया हुआ था क्लेरी सा, आ, साइमन ने इसमें केली का रोल प्ले किया जो श्री की फ्रेंड है एम में श्री का फ्रेंड है वहीं पर शिबोनिसा टे टेड्यूसा मेडबत्ता ने एडवर्ड का रोल प्ले किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे श्री के फ्रेंड के रोल में वो दिखाई देंगे आपको वहीं पर अर्ण बंसल ने विष्णु का रोल प्ले किया है अरुण मलिक ने कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है सौरभ जोशी ने स्कूल टीचर का रोल प्ले किया है विवेक मिश्रा हंसल मेहता इसमें किया स्पेशल अपीरियंस देते हुए नजर आएंगे सनत देश बारह साल का जो थॉमस का जो रोल था वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे थे फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं प्रोडक्शन में जहाँ पे बायोपिक थी जो श्रीकांत बोल रहा कि ऑफिशियल अनाउंस की गई थी जनवरी दो को जहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म के लीड रोल में आपको राजकुमार राव देखने को मिलेंगे दूसरा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था उसके बाद में इनिशियल इसको श्री टाइटल दिया गया था लेटर उन टाइटल चेंज करते हुए श्रीकांत टाइटल रखा गया इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में रिवील किया था कि वो इस फिल्म की जो का काम काज है वो श्रीकांत बोला के ऊपर पहली एक फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन आ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ये बोला है श्रीकांत बोल्ला वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अप्रोच किया अपने बिजनेस फाइटर पार्टनर रवि मंथा के थ्रू और उसके बाद में उन्होंने मंथा का रोल वैसे इस फिल्म में आपको बता दो कि शरद केलकर ने प्ले किया हुआ है जो श्रीकांत बोला के फ्रेंड है उसका रोल उसके बाद में उनके साथ मिलकर सभी बातचीत की गई थी इनिशियली राइट्स दूसरे बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मिश्रा के पास थे उसके बाद में इनसे मिलने के बाद चीजें थोड़ी एग्रीमेंट के हिसाब से साइन की गई और उसके बाद में इस फिल्म को बनाने के लिए फैसला लिया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और नंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म की पूरी शूटिंग जनवरी 2023 तक शूट की गई थी इस फिल्म में ज्योतिका काफी लंबे समय के बाद बोलीव बॉलीवुड में कमबैक करती हुई नज़र आई थी इनिशियली उन्होंने इस रोल के लिए रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उनके फादर हस्बैंड सूर्या के द्वारा जो तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार है उनके द्वारा कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए हाँ कहा उसके बाद में इस फिल्म में राजकुमार राव एज अ लीड एक्टर के तौर पे स्पेशल लेंसेज आते हुए नज़र आए थे मॉर्निंग टू इवनिंग क्योंकि वो एक विजल एम्पेयर इंडिविजुअल का रोल प्ले करना चाहते थे जहाँ पे वो महसूस करना चाहते थे कि इस किरदार को किस तरह से निभाए जिस वजह से उन्होंने वो सभी चीज़ें ट्राई की हुई थी और पहले भी ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसमें करीबन सेवेंटी ऐसे एक्टर्स यूज़ किए थे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ फिल्में देखने को मिलेंगे इसकी मार्केटिंग भी डिसेंट मैनर में की गई थी ट्रेलर था दस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इसके ट्रेलर के बाद करीबन बारह पंद्रह विजुअल इम्पेक्ट जो गुजरात के ऑन्ट्रप्रिनर थे उनको भी इसमें कुछ फैसिलिट किया गया था उसके बाद में प्रमोशन के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें स्कूल कॉलेजेज में की गई थी जो इसका एक अच्छा मार्केटिंग का हिस्सा थी उसके बाद में साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें म्यूज़िक के राइट टी सीरीज़ के पास थे इस फिल्म में टोटल पांच ट्रैक रखे हुए थे जहां पे सभी गानों को अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा कंपोज़ किया गया था और इस फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसमें ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना है तू मिल गया उसको श्लोक लाल ने लिखा हुआ था तनिस बागची ने म्यूजिक दिया था तुलसी कुमार जो भी नोट्याल ने उसको गाया हुआ था पापा कहते गाने को मजरू सुल्तानीपुरी ने लिखा हुआ था आदित्य देव ने म्यूजिक दिया था उदित नारायण ने उसको गाया हुआ था तुम्हें अपना माना है करके जो गाना था उसको योगेश दुबे ने लिखा था सचित परंपरा ने म्यूजिक दिया था सचित टंडन और परंपरा ठाकुर ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके जो गाना था उसको कुणाल वर्मा ने लिखा था वेद शर्मा ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जीना सिखा दे करके एक अनप्लग्ड वर्जन था उसको भी कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ था वेद शर्मा ने ही म्यूजिक दिया था वेद शर्मा ने ही गाया हुआ था ये टोटल पाँच ट्रैक रखे हुए थे जिसमें बीस मिनट बाईस सेकंड के ट्रैक थे ये सभी गानों को ऑफिशियली तेरह मई दो को रिलीज किया हुआ था और इन गानों को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो दस मई दो को इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म अक्षय तृतीय के ओकेशन के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी और एक यानी कि दो घंटे चौदह मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई एम डी पे इस फिल्म ने अभी तक करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने जिस तरह का बस था वो कुछ खास था नहीं जिसके चलते पहले दिन दो करोड़ इकतालीस लाख लाख का नेट कलेक्शन किया और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन सैटरडे के दिन सतहत्तर का ग्रोथ देखने को मिला जहाँ पे चार करोड़ छब्बीस लाख का इस फिल्म ने सेकंड डे के ऊपर नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में संडे के दिन इस फिल्म ने पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख का कलेक्शन किया जहां पे सैटरडे के मुकाबले कहीं करीबन चौबीस परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहला वीकेंड था वो करीबन 11 करोड़ पंचानवे लाख का दर्ज किया था वीक डेज में मंडे के दिन एक करोड़ उनसत्तर लाख का ट्यूसडे के दिन एक करोड़ अड़तालीस लाख का वेनडे के दिन एक करोड़ उनपचास लाख का और थर्सडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था वो करीबन अट्ठारह करोड़ चार लाख का दर्ज किया हुआ था उसके बाद में दूसरे वीक में इस फिल्म ने सेकंड फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ सड़सठ लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर दो करोड़ बयासी लाख का और सेकंड संडे के ऊपर करीबन चार करोड़ चार लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड था करीबन तो आठ करोड़ तिरपन लाख का इस फिल्म ने निकाला हुआ था जहां पे इस फिल्म ने वीक में सेकंड मंडे के ऊपर एक करोड़ बावन लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ छब्बीस लाख का सेकंड संडे के के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का सेकंड थर्सडे के ऊपर एक करोड़ सैतालीस लाख का कलेक्शन करते हुए दो वीक में इस फिल्म ने सेकंड वीक में तेरह करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन किया है जिसके चलते टोटल दो वीक का कलेक्शन था वो करीबन करीबन बत्तीस करोड़ दो लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक के एंड तक इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख का कलेक्शन किया जहां पे इसका तीसरा वीक पांच करोड़ साठ लाख का था पूरा तीसरा वीक नौ करोड़ चौबीस लाख का था चौथे वीकेंड में इस फिल्म ने चार करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया था और पूरा चौथा वीक करीबन छः करोड़ दो लाख का रहा था और पाँचवें वीकेंड में इस फिल्म ने एक करोड़ उनपचास लाख का कलेक्शन किया पांचवा वीक था वो पूरा दो करोड़ बाईस लाख का रहा था छठा वीकेंड फिल्म का चालीस लाख का निकला था और पूरा छठा वीक था वो करीबन पचपन लाख का इस फिल्म का रहा था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस दिन तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से पचास करोड़ और पाँच लाख का नेट कलेक्शन हासिल किया तो इस तरह से पचास मार्क का पचास करोड़ का बेंच मार्क हासिल किया फिल्म ने इंडिया से करीबन बयालीस दिनों के लाइफ टाइम कलेक्शन में जहां पे इसका ग्रोस कलेक्शन उनसाठ करोड़ अट्ठावन लाख निकल के आया हुआ था ओवरसीज से इस फिल्म ने करीबन तीन करोड़ चौंतीस लाख का क्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते बासठ करोड़ और बानवे लाख का कलेक्शन ओवरसीज से भी निकला था तो पैंतीस करोड़ के बजट के सामने इस फिल्म ने 62 से तिरसठ करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक मॉडरेट मॉडरेट सक्सेसफुल फिल्म मॉडे सक, कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी ये फिल्म जहाँ पे इस फिल्म के ओ राइट्स करीबन बीस करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए थे काफी बड़ी रकम देते हुए दिए हुए थे सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने सोनी नेटवर्क वालों ने सात करोड़ में इसके सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे और उसके बाद में नेटफ्लिक्स वालों ने इसको पाँच जुलाई दो को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया लेटर वन सोनी मैक्स के ऊपर भी इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में श्रीकांत नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में श्रीकांत नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं

इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दी है फिल्म से जुड़े सभी एस्पेक्ट भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारे इस वीडियो को आपने पसंद किया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू